तो शायद आप उसके लिए कुछ करने का आपका मन करे, स्पेशली फॉर द सिविल सर्वेंट्स, स्पेशली फॉर द पुलिस, कि आप जनता के सेवक बनिए, जनता के पैसे। कोई नेता आपको कमा के भैया नहीं दे रहा है, कोई मिनिस्टर आपको कमा के नहीं दे रहा है, ये जनता है जो कमा के आपको दे रही है, टैक्स पेयर्स कमा के दे रहे हैं आपको। उनके ऊपर लाठी चलाने से पहले, उनको गालियां देने से पहले एक बार सोचना कि दे आर द मास्टर। उनके मेहनत मजदूरी करने के बाद जो टैक्स देते हैं उसके पैसे से आपकी सैलरी आ रही है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। शायद आपको शर्म आ जाए, शायद आपकी आंखों में शर्म आ जाए, आप उनको मारने से पहले, उनको गाली देने से पहले एक बार सोच लें। ये जो टैक्स का पैसा है या दूसरा पैसा है, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो सब हमारे हैं, हम लोगों के हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों का इस पे अधिकार है। तो गवर्नमेंट अगर हमें फ्री में बिजली दे या फ्री में पानी दे तो वो हमारे पर कोई एहसान नहीं कर रही है। ड्यूटी बनती है कि वो हमें फ्री में बिजली और फ्री में पानी दे, ठीक है, क्योंकि फ्री नहीं है, ऑलरेडी हम टैक्स में उसको पे कर चुके हैं, ठीक है। बस अब ये है कि वो पैसा सही जगह पे लग रहा है, हमारे लिए लग रहा है, ना कि हम MPs को फाइनेंस करें और मिनिस्टर्स को फाइनेंस करके उनके ट्रिप्स को फाइनेंस करें, उनको जेट सिक्योरिटी को फाइनेंस करें, यानी हमारे पैसे पे आप ऐसा काट रहे हो, ठीक है, और हम भूखे मरे। हम पहले तो टैक्स में पे करें, उसके बाद हर चीज के लिए पे करें, और आपको कुछ नहीं पे करना है, ना टैक्स पे करना है। और जो अमीर, बहुत सारे अमीर लोग हैं, वो लूप होल्स ढूंढ लेते हैं टैक्स लॉज में, और वो भी टैक्स पे करने से बच जाते हैं बहुत सारे, और दुनिया भर के तो एग्जम्पशन से इनको टैक्स लगता नहीं है। तो मेन चीज क्या है कि आप टैक्स भी नहीं दोगे, ठीक है, उसके बाद हमारे टैक्स के पैसे को उड़ाओगे भी, और फिर हम ही क्वेश्चन ना करें, क्या मतलब है यार है? हम अगर टैक्स, अच्छा लोग कहते हैं फ्री की आदत मत डालो, अबे फ्री का कहां है भाई, पैदा होने से लेकर आज तक मरने तक तो आदमी टैक्स देगा, कफन के ऊपर भी टैक्स लगेगा भाई। आप कफन खरीदोगे, सामग्री खरीदोगे, जो भी क्रियाक्रम के लिए, उसके ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है। आप कैसे कह रहे हो कि फ्री में कोई चीज दे रहे हो, आप कुछ नहीं फ्री में दे रहे हो, ठीक है। अगर मिस्टर केजरीवाल कुछ फ्री में दे रहे हैं तो उसके लिए हमने टैक्स पे कर रखा है, बस ये है कि वो ईमानदारी से आपको बिजली या पानी या कोई भी चीज फ्री देने की बात कर रहे हैं, ईमानदारी से उस पैसे को इस एजुकेशन में या हेल्थ केयर में लगा दे रहे हैं। बाकी लोग उसके बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि जनता के बारे में तो सोचना ही नहीं है, अपना पेट पालना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी सिक्योरिटी, अपना अपनी लग्जरी देखनी है, ये दिक्कत है ना, सारी दिक्कत ये है। और उनको कौन रोकेगा, वो तो मालिक बने बैठे हुए हैं, वो सर्वेंट थोड़ी ना है, गवर्नमेंट सर्वेंट थोड़ी ना, वो सर्विस के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, वो तो मालिक है, मालिक बने हुए हैं। आप देखिए अमेरिका में जाके देखिए, पुलिस आपको सर करके बात करेगी, क्यों, क्योंकि यू आर द मास्टर, जनता मास्टर है, तो जनता जो मालिक है तो उसको सर करके बात करेगी। इंडिया में हर पुलिस की जुबान पे तो गाली होती, बंदा बात करने से पहले गाली देता है, उसके बाद बात करता है, क्यों, हम तो सर्वेंट है भाई, आम जनता सर्वेंट है और ये मालिक है, इसलिए इस तरह से बात करते हैं, एटीट्यूड है। और हमने एटीट्यूड उनको दिया है क्योंकि हम लोग समझते नहीं अपने राइट्स, हमें तो पता ही नहीं है। जो 2-4% लोग हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी उसी ट्रिप में आ जाते हैं, उनको लगता है कि भैया कुछ लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं, हम लोग तो फ्री में खा रहे हैं, हम लोग तो टैक्स पे कर ही नहीं रहे। भैया एक भिखारी भी ना कोई सामान खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है, कोई रिक्शे वाला है, कोई मजदूर है, वो कोई भी सामान खरीदता है, एक छोटी से छोटी चीज तो उस पर वो टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो आप ये मत कहिए कि वो आपके रहमोक्रम पे पल रहा है, वो खुद कमा रहा है और आपको पाल रहा है, आप ये कह सकते हैं, उसके पैसे पे आप पल रहे हो, वो आपके पैसे पे नहीं पल रहा है। तो एक मजदूर अपने बच्चे के लिए जब दूध खरीदने जाता है, खाना खरीदने जाता है, कुछ सामान खरीदने जाता है, तो उसके ऊपर वो टैक्स दे रहा होता है। एक गरीब से गरीब आदमी टैक्स दे रहा होता है हर चीज के ऊपर, उस टैक्स के पैसे से उसका पेट काट कर वो टैक्स देता है आपको, और उस टैक्स के पैसे से आप अपनी लग्जरी ढूंढते हो, अपनी अयाशियां ढूंढते हो, हा? क्या है, आपको शर्म नहीं आती, आपको उसकी आंखों में, जो गरीब आदमी जो अपना किसी तरह पेट पाल काट के आपको टैक्स दे रहा है, आप उसको उसके वेलफेयर के लिए यूज करने पर एहसान दिखाते हो। लोग कितने लोग हैं बेचारे जिनको हेल्थ केयर नहीं मिल पाता, जिनको मरने के बाद एम्बुलेंस तक आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं, आप कहते हो कि आप जो है सरकार हो। अरे भैया आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आप जनता के सेवक हो। अरे ऐसे सेवक होते हैं, ऐसे सेवक होते हैं क्या? एक आदमी जो भीख मांग के पैसा कमा रहा है, एक बंदी जो मजदूरी कैस करके पैसा कमा रहा है, एक आदमी जो किसी तरह से दिन रात लोहा पीट रहा है, हाथ मेहनत कर रहा है, खून पसीने की कमाई कमाने के बाद फिर वो आपको टैक्स देता है उस पर, और उस टैक्स के पैसे को आप क्या करते हो? गवर्नमेंट स्कूल में उसका बच्चा चला गया पढ़ने के लिए तो उस पर भी आप एहसान जताते हो कि आप फ्री में पढ़ा रहे हो। वो हॉस्पिटल चला गया और हॉस्पिटल में जाके उसने दवा ले ली, एक रुपये की पर्ची बनवा के दवा ले ली, तो उस पर भी आप कहते हो कि एहसान है क्योंकि हमने फ्री में इलाज दे दिया। भैया उसी का पैसा है, उसने उसके लिए पे कर रखा है ऑलरेडी, पैदा होने से लेकर और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो टैक्स देता जा रहा है आपको, उसके पैसे पे उसका एहसान है आपके ऊपर, आपका एहसान नहीं है उसके ऊपर। उसके पैसे से आपकी सैलरी आ रही है, आपके पैसे से उसकी सैलरी नहीं आ रही है, आप कमा के नहीं ला रहे, वो कमा के आपको खिला रहा है, तो आपको शर्म नहीं आती है?
उसके पैसे पे, एक गरीब आदमी के पैसे पे जो अपना पेट काट के आपको पैसा दे रहा है, आपको सैलरी दे रहा है और उसके लिए आप काम नहीं कर रहे, उसके लिए आप जो है उसको कोई फैसिलिटी देने में आप कहते हो आप एहसान कर रहे हो। एहसान तो उसका है जो खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, खुद अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन अच्छी हेल्थ नहीं दे पा रहा, फिर भी आपको फाइनेंस कर रहा है, आपकी लग्जरी को फाइनेंस कर रहा है। हर कोई टैक्स पेयर है भैया, ये मत सोचिए आपकी सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले कुछ अमीर लोग ही टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स दुनिया भर का जीएसटी के नाम पर दुनिया भर का पैसा लोग दे रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहे बताइए, एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी वेट टैक्स ये टैक्स वो टैक्स दुनिया भर का तो टैक्स है। कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है इंडिया में? थोड़े बहुत एग्जेम्प्टेड चीज जिसमें आपने एग्जेम्प्शन दे रखा है उसमें भी वो ट्रू एग्जेम्प्शन नहीं है, कहीं ना कहीं इंसिडेंटल एक्सीडेंटल आपको टैक्स देना ही पड़ जाता है। टैक्स पेयर्स के पैसे से जेएनयू के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको बहुत दिक्कत है। आपको आप तब क्वेश्चन नहीं करते हैं जब एमपीज के ऊपर एक साल में 60 लाख रुपए एक एमपी के ऊपर खर्च होता है अलायंसेस लेकर, लगभग उनके सैलरी विद अलायंसेस 5 लाख रुपए पर एमपी, एक एमपी की एक महीने की सैलरी और अलायंसेस लेकर लगभग 5 लाख रुपए है, यानी 60 लाख रुपए साल का एक एमपी के ऊपर खर्च होता है, वो भी आपकी टैक्स का ही पैसा है, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेताओं को बिजली फ्री मिलती है, एमपीज को बिजली फ्री पानी फ्री सब कुछ फ्री मिलता है, ट्रैवलिंग अलायंसेस फ्री है, सब कुछ फ्री है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। मूर्तियां बनती हैं बड़ी बड़ी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ एजुकेशन मिल जाएगा तो भाई टैक्स पेयर्स का पैसा खराब हो रहा है, ठीक है। हेल्थ मिल जाएगी फ्री में, यानी कि उसका पैसा पे कर चुका है, लेकिन अगर हेल्थ पे खर्च हो गया तो आप टैक्स पेयर्स के पैसे को नाजायज खर्चा हो रहा है। एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए खर्चा हो जाए तो दिक्कत है, ये है। अगर केजरीवाल बिजली या पानी सस्ती कर दे रहा है, फ्री कर दे रहा है, तो उससे आपको बहुत दिक्कत है, क्योंकि जनता को फायदा हो रहा है। अरे भैया जनता उसके लिए टैक्स पे कर रही है, आप फ्री में नहीं दे रहा है वो, ठीक है। जनता इज पेइंग टैक्स फॉर दैट, इनडायरेक्ट टैक्स देता है, देती है जनता, चाहे आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते डायरेक्ट वाले में तो भी इनडायरेक्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। आप कोई भी सामान मुझे ऐसा बता दीजिए जिसके ऊपर कोई टैक्स ना लगता हो, आइदर वन वे और अदर टैक्स लगता है भैया हर चीज के ऊपर, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर टैक्स ना लग रहा हो, यू आर पेइंग टैक्स फॉर एवरीथिंग। कोई भी चीज आप खरीदते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस जब लिखा रहता है, जिससे ज्यादा पे आदमी बेच नहीं सकता कोई सामान, और आपको पता है मैक्सिमम पे लोग बेचते हैं, 20 रुपए के सामान पे 100 रुपए एमआरपी लिखा रहता है, दवाओं पे तो सब बहुत ज्यादा होता है, 20 रुपए की दवा है एक्चुअल में 100 रुपए एमआरपी लिख के 100 रुपए में बेचते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत तब हो जाती है जब गरीब का बच्चा पढ़ने की बात कर ले, वो कैसे पढ़ ले भाई, दिक्कत हो जाएगी ना आपको। आप हमेशा इरेशनल बातें करेंगे, गरीब आदमी खा पी कैसे ले, अपनी इनकम का 50% से ज्यादा बंदा टैक्स दे रहा है। अगली बार जब आप किसी के ऊपर डंडा मारने के लिए डंडा उठाए ना, स्पेशली पुलिस, या किसी के ऊपर कमेंट करें कि मैं वो टैक्स पेयर नहीं है, तो सोच लीजिएगा एक बार कि उसके पैसे से आपकी सैलरी आ रही है, ही इज ऑल्सो अ टैक्स पेयर, उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इस इंडिया के डेवलपमेंट में, उसका आपके इनकम का हो सकता है 0.11% लगाओ देश के डेवलपमेंट में, उसका 50% से ज्यादा उसकी आधी जिंदगी कमाई लग गई है, अपनी आधी जिंदगी लगा दी है इस देश को डेवलप करने में, जितना जिंदगी भर कमाया उससे आधा से ज्यादा परसेंटेज उसने टैक्स में दे दिया, उस बंदे के बारे में कभी सोच लीजिएगा, कभी भी अगर इंसानियत है तो सोच लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, नहीं सोचना है तो आप मत सोचिए, लेकिन अगर इंसानियत होगी तो आप अगली बार सोचेंगे। किसी भी गरीब आदमी की आंखों में जब देखें तो आपको शर्म आएगी कि इस बंदे के पैसे से, इस बंदे ने मुझे फाइनेंस किया है, मेरी पढ़ाई को फाइनेंस किया है, मेरी एजुकेशन को फाइनेंस किया है, और मेरी लग्जरी को, मेरे जो अलाउंसेज हैं, जो भी चीज़ें मुझे मिल रही हैं उसको उसने फाइनेंस किया है, तो शायद आप उसके लिए कुछ करने का आपका मन करे, स्पेशली फॉर द सिविल सर्वेंट्स, स्पेशली फॉर द पुलिस, कि आप जनता के सेवक बनिए, जनता के पैसे, कोई नेता आपको कमा के भैया नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई मिनिस्टर आपको कमा के नहीं दे रहा है, ये जनता है जो कमा के आपको दे रही है, टैक्स पेयर्स कमा के दे रहे हैं आपको, उनके ऊपर लाठी चलाने से पहले, उनको गालियां देने से पहले एक बार सोचना कि दे आर द मास्टर्स, उन्होंने कमा, उनकी कमाई के पैसे से, उनके मेहनत मजदूरी करने के बाद जो टैक्स देते हैं उसके पैसे से आपकी सैलरी आ रही है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, शायद आपको शर्म आ जाए, शायद आपकी आंखों में शर्म आ जाए, आप उनको मारने से पहले, उनको गाली देने से पहले एक बार सोच लें। थैंक यू।